हमारा आज का ये जो वीडियो है इंडक्शन चूल्हे के ऊपर, इस चूल्हे की प्रॉब्लम्स ये है कि ये चलते चलते बार बार बंद हो जाती है। इसी तरह की समस्या आपके चूल्हे में आ रही होंगे, तो मैं इस वीडियो में छोटी सी टिप बताऊंगा। हो सकती है आपके इंडक्शन चूल्हे में सेम प्रॉब्लम होंगे, तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से अपने इंडक्शन चूल्हे की प्रॉब्लम को खुद से ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, दबाकर ऑन कर सकते हैं ताकि हमारे हर आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाएंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंच जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस इंडक्शन चूल्हे की प्रॉब्लम्स क्या है और मैं इस वीडियो में कौन सी आपको टिप्स बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं जिसको आप सिंपल पेचकस या फिर टेस्टर की हेल्प से खोल सकते हैं। तो मैंने इसमें वीडियो में दिखाने के लिए इसकी स्क्रू को पहले निकाल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। चलिए बात करते हैं काम की बात, इसको खोलते हैं ऐसे, ये देखिए। तो दोस्तों, हमने अक्सर हमारे जितने भी इंडक्शन चूल्हा रिपेयर करने के लिए हमारे पास आया है उन सब में हमने अक्सर एक चीज़ें प्रॉब्लम देखी हैं, जो कि इसकी फैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयल या फिर कचरा जमा होता है, तो बार बार बंद होने की प्रॉब्लम को चलिए थोड़ी सी समझते हैं। ये देख पा रहे, ये है हीटर जो कि हीट करता है और इसी की वजह से इंडक्शन के ऊपर कुछ बर्तन पे जो भी चीज़ें पकाते हैं वो गर्म होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से, और यहाँ पर जो गैस है वो इसकी हीटिंग को फेंकने का काम करता है, लेकिन एक गैस ही ठीक से काम नहीं कर पाएंगी तो इसके अंदर हीटिंग ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बार बार जो है आपकी इंडक्शन ट्रिप मार देता है। तो इसके लिए सिंपल आप मेरी जो टिप्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो फैन है उसको खोल कर देखें, ये देखें, ये जो फैन है इसको खोल कर देखें, इसमें कहीं ज़्यादा डस्ट तो नहीं जम गया है, क्योंकि हमने अपने इंडक्शन चूल्हे की अक्सर प्रॉब्लम्स को देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग डस्ट या फिर चीट जैसे चीज़ें जम जाती है जिसकी वजह से इस पंखे पर लोडिंग हो जाता है, लोडिंग की वजह से पंखा स्लो चलता है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, टूथपेस्ट की ब्रश ले सकते हैं, पंखे को साफ कर सकते हैं, साफ करने के बाद पंखे में जो लोडिंग होंगी वो फ्री होगा, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है जिससे जो इंडक्शन चूल्हे में ओवरहीटिंग की जो प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल और आसान सी ये जो मेरी वीडियो में मैंने टिप्स बताई हैं आपके काम बन जाती हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाऊंगा दोस्तों नई जानकारी वाली वीडियो। इसी तरीके से नई नई हमारी जानकारी वाली वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। फिर से मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में।